6000 एबव में राइड कर चुका हूँ, जो मेरा राइड था 6000 एबव था, तो उसका बारे में मुझे कैसे परफॉर्मेंस मिला, कैसे एक्सपीरियंस था, कैसे स्मूथ परफॉर्मेंस दिया बाइक, मैं पूरा शेयर करूंगा। आप लोग वीडियो में बने रहे और हमारा चैनल। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग, और हमारा चैनल में आप लोगों को बहुत सारा वेलकम। सो हमारा चैनल का 8000 का फैमिली जो है कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग हमारा वीडियो अगर पहले का नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में आप लोग जाके देख सकते हो, बहुत ही अच्छा अच्छा वीडियो आ चुका है। और मैं जो है बेंगलोर टू त्रिपुरा तक ट्रैवल कर चुका हूँ, उसका ब्लॉग भी आ गया, और भी बहुत सारा ब्लॉग जो है मैं एडिट नहीं कर पाया क्योंकि मैं ट्रैवलिंग में था इतना दिन। तो धीरे धीरे जो है बहुत सारा ब्लॉग आने वाला है और बहुत अच्छा अच्छा जगह आप लोगों को दिखने के लिए मिलेगा। उसका साथ ही हमारा चैनल में आप लोगों को बाइक का बहुत सारा बाइक का जो है रिव्यू मिलेगा। और आज हम जो वीडियो में बात करेंगे वो बात करेंगे कि डोमिनो 250 का 10000 मेरा कंप्लीट हो चुका है, इवन मेरा 11000 कंप्लीट हो चुका है, और मैं जो है 6000 एबव में राइड कर चुका हूँ, जो मेरा राइड था 6000 एबव था, तो उसका बारे में मुझे कैसे परफॉर्मेंस मिला, कैसे एक्सपीरियंस था, कैसे स्मूथ परफॉर्मेंस दिया बाइक, मैं पूरा शेयर करूंगा। आप लोग वीडियो में बने रहे और हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसा बहुत सारा वीडियो जो हमारा चैनल में आने वाला है, और हमारा साथ जुड़े रहिए, आप लोगों को बहुत सारा इन्फॉर्मेशन फुल वीडियो मिलते रहेगा। सो गाइस, आज हम अगर बात करें डोमिनो 250 का रिव्यू का बारे में, तो पहले भी मेरा चैनल में वीडियो है, आप लोग जाके देख सकते हो, फिर भी आज हम 10000 का जो रिव्यू है आप लोगों को देने वाला हूँ। तो जैसे कि मैं बेंगलोर टू त्रिपुरा राइड कर रहा था, उस टाइम में मुझे जो हाईवे में परफॉर्मेंस मिला बहुत ही शानदार मिला। अगर हम लोग बात करो डोमिनो 400 और डोमिनो 250 का डिफरेंशिएट का, तो मतलब इतना ज़्यादा फर्क तो मुझे नहीं मिला, क्योंकि देखिए हाईवे में जो बाइक का परफॉर्मेंस था बहुत ही बेटर परफॉर्मेंस था, मैं जितना एक्सपेक्टेशन किया था उससे ज़्यादा ही मिला मुझे। और क्योंकि बाइक का जो वेट है तकरीबन सेम है डोमिनो 250 और डोमिनो 400 का, और बाइक का वेट का वजह से जो है हमको लॉन्ग राइड में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देखने के लिए मिला। जैसे मेरा बैग बहुत सारा आप लोग मेरा ब्लॉग में देखेगा, मेरा बाइक में जो है बहुत सारा लगेज था, बट ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। जैसे नॉर्मल बाइक अगर आप पल्सर का बात करो, सुपर स्प्लेंडर, बहुत सारा बाइक है मार्केट में, तो उससे भी बाइक क्या होता है कि हाई स्पीड में जैसे मैं 140 में भी 150 में भी ड्राइव किया, उस टाइम में क्या होता है कि शेक करते हैं, बट मेरा बाइक में ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम का दिक्कत नहीं हुआ, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस। और जो बैक पोर्शन, मतलब हम लोग अगर देखिए राइड में जाता हूँ ना लॉन्ग राइड में, तो मेनली क्या होता है कि हम लोगों का बैक पेन होता है, बट इस बाइक में बैठने का जो पोर्शन है वो मतलब ड्राइवर का जो, मैं आप लोगों को पूरा दिखा देता हूँ, देखिए जो पोर्शन मिल जाता है ना ड्राइवर को, इसका वजह से आपको बैक पेन भी नहीं आता। ऐसे हम लोग जब राइड करता हूँ ना, तो जो हमारा पोर्शन है आप लोग देख सकते हो, इसका वजह से आपको बैक पेन कभी फेस नहीं करना पड़ेगा। सो इस वजह से डोमिनो 250 में तो लॉन्ग राइड के लिए एकदम परफेक्ट बोलता हूँ मैं, 100 में 95% दूंगा। और इसका टायर का अगर मैं बात करूँ ना, टायर थोड़ा पतला है, बट इसका भी आपको प्लस पॉइंट है। ये क्या प्लस पॉइंट है ये भी बोल देता हूँ, देखिए जितना ज़्यादा पतला टायर है इतना ज़्यादा आपको माइलेज मिलेगा। और ऐसे ही आप लोगों को पता है कंपनी डिमांड है कि डोमिनो 250 का 30 माइलेज आता है, बट 30 नहीं आता है गाइज। अगर आप हाईवे में जाते हो 28 ऐसा नियर बाय आता है, या 26 आपको मिलेगा, या तो फिर 28 ही मिल जाता है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप अच्छा पेट्रोल जैसे XP 95 डालते हो तो भी आपको मिल सकता है, बट नॉर्मल पेट्रोल में इतना नहीं आता है। तो छोड़िए माइलेज का तो बात छोड़ ही दीजिए, इसका साथ पकड़ के कोई बात करके फायदा नहीं है। बट अगर आपको परफॉर्मेंस मेनली क्या है कि सिटी राइड के लिए ये थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है आपको, क्योंकि इसका जो टर्निंग रेशियो है बहुत ही कम है बाइक का, तो आपको यूटर्न लेने का टाइम में थोड़ा जगह बड़ा करके आपको यूटर्न लेना पड़ेगा, यही एक दिक्कत है। और इसका पीछे का जो ब्रेक है इसमें थोड़ा दिक्कत आया, इसका पीछे का ब्रेक जो है थोड़ा कम है फ्रंट ब्रेक का मुकाबला में, पीछे का ब्रेक जो है थोड़ा कम पकड़ता है। तो आपको अगर कॉम्बिनेशन में पकड़ते हो ऐसा कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, और आप हाईवे में चलते हो तो ऐसा तो सडन ब्रेक मारने का कोई बात ही नहीं आता है, फिर भी कभी कभी आ जाता है, तो आप कमेंट करके पकड़िए, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। बाकी मतलब राइड के लिए, लॉन्ग राइड के लिए जो है बाइक बहुत ही शानदार बाइक है, आप लोग ले सकते हो आराम से। आप लोग जो है डोमिनो 250 को कंसीडर कर सकते हो, मैं तो बोलूँगा डोमिनो 400 ना लेके आप डोमिनो 250 ले लो, क्योंकि आपका मेंटेनेंस मेन होता है, मेंटेनेंस, माइलेज और बाइक कैसा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो बाइक का परफॉर्मेंस का तो मैं बोल ही दिया, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस मिला। और अगर बात करूँ तो डोमिनो 400 से डोमिनो 250 का जो मेंटेनेंस है बहुत ही कम आने वाला है। और जैसे कि आपको जैसे सर्विसिंग का बात करूँ तो डोमिनो 400 में आपको थोड़ा ज़्यादा ही जाएगा डोमिनो 250 का मुकाबले, तो इसलिए मैं आप लोगों को कंसिडर करना चाहूँगा, आप लोग लीजिए। और इसमें जो है गियर का, अगर कोई कोई लोग कमेंट करते हैं, मेरा पहले वीडियो में भी कमेंट किया कि इसमें ऐसा डिस्प्ले का प्रॉब्लम, देखिए गियर शिफ्ट का जो इंडिकेशन है वो इसमें नहीं दिया गया, और इसका जो फ्यूल टैंक में जो डिस्प्ले इधर दिखाया, मैं उनको बोलूँगा इस पर आप लोग देख सकते हो,
यहाँ पे जो इंडिकेशन है, यहाँ पे प्रॉपरली जो इंडिकेशन है वो किसी काम का नहीं है। देखिए बैटरी का और इसका दिया गया आपका बजाज का लोगो और साइड स्टैंड, ये सभी किसी काम का नहीं है। अगर यहाँ पे गियर शिफ्ट का इंडिकेशन दे देता तो शायद राइडर के लिए थोड़ा आसान हो जाता राइड करने का टाइम में, कि हाँ मैं इतना गियर में चला रहा हूँ। सडनली आप जैसे न्यू बाइक अगर लेते हो, हम लोगों को पता नहीं चलता है कि कौन सा गियर में चल रहा है, तो कई कई जगह में जाकर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अगर ये दिया जाता तो अच्छा होता, क्योंकि अभी मार्केट में बहुत सारा 70,000 का जैसे सुपर स्प्लेंडर हो गया, बजाज का प्लैटिना का टॉप मॉडल में, इसमें भी गियर इंडिकेशन दिया जाता है, और चार्जर पोर्ट का इसमें नहीं दिया गया, जो कि डोमिनर 400 में दिखा जाता है, कंपनी फिटेड रहते हैं। तो इसमें क्या होगा कि आपको आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो ये सभी चीज़ छोटा छोटा चीज़ जो है आपको कंसिडर करना पड़ेगा। देखिए आप कुछ पाना चाहते हो तो कुछ होना भी पड़ता है, तो इसमें भी ऐसा ही है। अगर आप और थोड़ा बजट ज़्यादा करते हो तो मतलब आप डोमिनर 400 के लिए कंसीडर करते हो तो 1,00,000 ज़्यादा आपको स्पेंड करना पड़ेगा। तो मैं तो बोलूँगा आप इससे अच्छा आफ्टर मार्केट 5,000 सेपरेटली स्पेंड कर दो। इस डोमिनर 400 का जो फैसिलिटी आपको मिल जाएगा, और गियर शिफ्ट का इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। जो लोग पक्का ड्राइवर होते हैं उन लोगों को गियर का बारे में पूरा नॉलेज रहता है, उन लोगों को गियर शिफ्ट देखने का जरूरत नहीं होता है। मुझे तो नहीं होता है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है वो बोलिए, कमेंट कीजिए। आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में क्या चाहिए और कौन सा बाइक के बारे में रिव्यू चाहिए, मैं जरूर आप लोगों के लिए ट्राई करूंगा वो वीडियो लेकर आने के लिए। तो गाइज मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग आराम से रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, फैमिली के साथ हमारा वीडियो देखते रहिए। ऐसे वीडियो जो है हमारे चैनल में बहुत सारा आने वाला है। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट।